मैं तुम्हारा कौन हूं पता है, और आप क्या है? खिलाड़ी। पता है अभी हो क्या रहा है कि सारी दंड बैठक कोच ही लगा रहा है, और ओलंपिक में आप लंदन जाना चाह रहे हैं। अरे दंड बैठक मैं लगाऊंगा तो मैं ही सबल बनूंगा, मैं ही दौड़ रहा हूं, तो रेस किसकी अच्छी होगी? मेरी। मुझे जाना ही नहीं ओलंपिक में, और आप दर्शक बने बैठे कि आप ही लगाते रहिए, और आप सोच रहे हैं हम पढ़ रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। कोच या गुरु केवल वो अच्छा जो आपको सबल बनाए। 99% गुरु खुद ही दंड बैठक लगाते रहते हैं, और खिलाड़ी देखते रहते हैं, दर्शक बने रहते हैं, और ऐसे जो गुरु हैं वो आपका सत्यानाश कर देंगे, क्योंकि वो आपको अपंग बना देंगे, क्योंकि आप चल ही नहीं पाएंगे बिना उनके। आपको तभी समझ में आता है जब अच्छा सर ने पढ़ा दिया, नया सेक्शन ये छोड़ दिया है ना सर, ये छोड़ दिया, अरे कुछ तो आपके ऊपर छोड़ना पड़ेगा ना, नहीं तो आपके पैरों में तो कोई बल ही नहीं रहेगा, आपका पढ़ना ना पढ़ना बकवास जाएगा। तो अच्छे कोच की निशानी है कि वो आपसे ज्यादा से ज्यादा करवाए, और जैसे ज्यादा से ज्यादा करवाते हैं ना तो खिलाड़ी क्लास छोड़ के भाग जाते हैं, आते ही नहीं, डरते हैं कुछ पूछ ना लें। पूछेंगे आपसे, कराएंगे जितना ज्यादा कराएंगे, क्योंकि अभ्यास आपका होना चाहिए। ठीक है, कुछ चीजें कोच ने बता दी, रास्ता बता दिया, यदि आपसे मेहनत नहीं करवा पा रहा है तो बेकार है, वो आपको अपंग बना देगा ऐसा गुरु, पर मैं उस गुरु में नहीं हूं। इस कारण बहुत सारे लड़के लड़कियां चिढ़ते भी होंगे, क्योंकि चेहरे से मुझे पता लग जाता है कि अंदर आप क्या सोच रहे हैं, आपके चेहरे से मुझे पता होती है कि आपके मन में क्या चल रहा है, तो मैं आपको डांटता हूं, फटकारता हूं। उसके पीछे कारण ये है कि मैं आपको रियल मीनिंग में खिलाड़ी बनाना चाहता हूं, और स्टूडेंट्स को क्या अच्छा लगता है, वो दर्शक बने रहना चाहते हैं। मेरी जगह कोच की जगह मुझे खिलाड़ी बना लिया है, मैं ही कला लगाता रहूं, मैं कला मारता रहूं, आप दर्शक की तरह देखते रहे, क्या कला खा रहे, बढ़िया, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे। अरे ये बढ़िया पढ़ाना नहीं है, आपको बढ़िया लग रहा होगा, वो बढ़िया पढ़ाना नहीं है। हमारे जो गुरु थे एक इतना लंबा डंडा रखते थे, पढ़ाते वढ़ाते तो वो कम ही थे, ज्यादा हमसे ही कराते थे। तो अभी आपके साथ तो ऐसा हो नहीं रहा, तो जैसे कुछ नहीं आता था तो वो हाथ से मारते थे, कई बार वो थप्पड़ मारते थे तो जैसे यूं कर लेता करता तो इधर से एक, ये हमने सब सहा है, और उसी का कारण है कि उन्होंने बेचारों ने बहुत मेहनत कराई। मेहनत स्टूडेंट से करानी चाहिए, न के कोच को करते रहना। आप कहते हो ना, बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनकी समझ नहीं है, बहुत छोटी समझ के डेमो देखेंगे, अरे देखोगे क्या, यदि नया स्टूडेंट आए और पहले दिन ही ये पूछताछ का कार्यक्रम चल रहा हो तो भड़ना दो, ये बेकार है क्लास, पूछते डांटते, ये क्लास तो अच्छी नहीं है, अच्छी कौन सी लगेगी उन्हें, अच्छी लगेगी वो जो टीचर कूद कूद के खुद ही कलाएं खा रहा है, उसे अच्छा समझते हो, अरे बेवकूफ हो, थोड़ा तो समझो, अच्छी नहीं है, वो खुद ही खिलाड़ी बनना, वो अपने स्टूडेंट्स को क्या बनाएगा, वो कैसे खेल में उतारेगा, उसके स्टूडेंट हारेंगे ही हारेंगे, ये मेरी गारंटी है। मैं ये चाहता हूं कि इस फाइट के लिए आप सबल बन जाएं। मैं तो सबल हूं, बहुत सारे ना समझ बच्चे वो सोचते हैं ऐसी कोई, ऐसा कोई शॉर्टकट बता दो कि एक घंटे में एविडेंस हो जाए। अरे पागल हो, एक घंटे में एविडेंस खत्म करोगे? 12 साल तो लिखने में लग गए थे इसको, 60 में ही सेकंड लॉ कमीशन में ही हुआ, 72 में तैयार हुआ ही है, बात समझ सकते हो ना, एक एक शब्द एक एक लाइन बहुत कॉम्पैक्ट है, एक घंटे में, मतलब कैसा टाइम वेस्ट कर रहे हो।
मेरे पास आते, सर एक बार रिवाइज करा दो सारा। जैसे कि सब कुछ आता है, कुछ नहीं आता। मैंने कहा मैं ऐसे बच्चों को स्पॉइल नहीं करता, जबकि कर सकता हूं मैं किसी से भी बहुत तेज। मुझे पढ़ना नहीं पड़ता, मुझे सारा आता है। जो मेरे सब्जेक्ट है उनमें मैं कहीं ऐसी जरूरत नहीं है कि मुझे पढ़ना पड़े, मैं गलत पढ़ाऊं, ऐसी जरूरत नहीं। सब कुछ जो कि अकेले आपके लिए नहीं पढ़ाया, कंपटीशन दिया है, कंपटीशन में इंटरव्यू भी फेस किए हैं, बहुत गहरा पढ़ा है। और जब तक खुद पक्का याद नहीं कर लिया, तब तक मैं आपसे उम्मीद नहीं करता कि आप पक्का याद कर लेंगे। मैंने कर किया हुआ है, अपने वीडियो रिकॉर्ड किए हुए सब पक्का याद है। ठीक है, डायरेक्ट वगैरह क्यों जरूरत पड़ती है, जिससे कि आपको कनेक्ट कर सकूं। तो मुझे करना हो तो मैंने तो मुश्किल से 2 घंटे 3 घंटे में मैं सारा उगल सकता हूं, क्या है पूरे सेक्शन में। और उससे तुम्हें क्या मिलेगा, केवल मुझे मिला। तो वो टीचर नहीं है, वो मूर्ख ड्रामेबाज है, तो इस तरह का ड्रामा कर रहे हैं। और मूर्ख ही बच्चे हैं जो ये नहीं समझ पा रहे कि ये पढ़ाई कैसे होती है, कैसे सिलेक्शन होता है। जब तक आपको सबल न बनाया तब तक नहीं होगा। कभी कभी कहा जाता है सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी का मतलब ये है कि तुम खुद अपने सर में थोड़ा तो मारो। तुम सुन सुन के, व्यक्ति एक कोचिंग जाएगा, फिर दूसरा कोचिंग ढूंढेगा, तीसरा कोचिंग ढूंढेगा, और हार तक के कहेगा कुछ नहीं यार, भाग्य का मामला है और रिश्वत चलती है। तेरा दुर्भाग्य, तेरे पास इतनी भी समझ नहीं थी कि ऐसा गुरु ढूंढता जो कहे कि तेरे को सबल बनाऊंगा। मैं तो हूं, मेरी को एग्जाम नहीं देना। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये जो कुछ भी मैं आपसे कराता हूं, पूछता हूं, फटकाता हूं, डांटता हूं, आपको रुलाता हूं, ये आपके कारण है कि आपको मजबूत कर रहा हूं। मैंने कल भी एक बात कही थी आपसे, या नीचे फोटो लगे ना, सैकड़ों फोटो लग रहे हैं जो इन्हीं कुर्सियों पर बैठे थे, और इतनी बुरी घिसाई उनकी हुई कि वो क्लास में रो गए थे। मुझे याद है अभी तक नीलम का तो आगे बैठती थी, बड़ी अच्छी लगी है। अभी ACGM होगी या CGM होगी मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं संपर्क में नहीं रहता, क्योंकि मैं अपने जो नए आ जाते हैं उनके संपर्क में रहता हूँ कि भाई ठीक है इनको बनाओ। वो रोने लग गई, और किस बात पर डांटा। मैंने कहा जा इंटरव्यू दे, इंटरव्यू बोर्ड बना रखे। वो तो वहां जाके डंप हो गई, जाके बताया नहीं। फिर मैंने उसको फटकारा, मैंने कहा रोजाना हमने तुमसे कराया, हर सैटरडे को हम GD जो करते उसमें क्या करता, मैं यहाँ पर्चियां रख देता हूँ, आपको टॉपिक हो गए पूरे, आपको अपनी पर्ची उठानी है, आपको अपना लेक्चर डिलीवर करना है। ये क्यों कराता हूं, जिससे तुम डेवलप हो। अब वो कुछ लोग कहते हैं सर हम वहीं बैठे बैठे बता सकते हैं, सर हम लिख के बता सकते हैं, बोल नहीं सकते। अरे गूंगे हो तो बोल नहीं सकते, और बेवकूफ बनाने के तरीके हैं ये, जो यहां बोल के नहीं बता सकता वो लिख भी नहीं सकता। वो कहता ना मैं लिखने, क्या स्टूडेंट ने मेरी क्लास ही छोड़ गया, पर मुझे असर नहीं पड़ता। मैं उनके लिए काम करता हूँ। एक कुम्हार अपने मिट्टी का अच्छा सा अच्छा घड़ा बनाने की कोशिश करता है, वही मैं आपके साथ करता हूँ। ठीक है ना, तो मुझे तो वही पसंद, क्योंकि रिजल्ट भी वही है, बाकी रिजल्ट थोड़े ही है। अभ्यास करोगे तो एक बार में याद हो जाएगा, और नहीं करोगे तो नहीं होगा। अभ्यास कैसा, पहले एक बार एक सेक्शन याद किया, फिर दूसरा किया, तीसरा किया, बंद कर दो किताब, सोचो, जैसे कहते हैं ना मनन करो। मुझे नहीं पता आप मनन करते हैं या नहीं करते। मेरे से कई बार टीचर्स और लोग कहते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हैं, आपको कोर्स पूरा कराना चाहिए। मैंने कहा मैं सिलेक्शन के लिए पढ़ाता हूँ, कोर्स पूरा कराने वालों की कितनी सारी भीड़ है। वो तो मैं भी कराता ही हूँ, थोड़ा टाइम लगता है, मैं भी कराता ही हूँ, लेकिन वो उनके पक्का उनके माइंड में फिट कर देता हूँ। उन्हें जरूरत नहीं पड़ती, मेरे से पढ़ाया हुआ स्टूडेंट दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी किसी दूसरी कोचिंग में जाने की, किसी भी टॉपिक पे। और फिर भी जरूरत पड़ जाए तो मेरे लिए शर्म की बात होगी।